सबसे पहला सवाल जो है वो पल्लवी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कबूतर एक आम सा पक्षी जिसको कई लोग पालते हैं और छोटे छोटे गांव में शहरों में हमने देखा होगा कि स्पेशली इनको दाना डालने के लिए लोग जाते हैं, ये एक पक्षी कैसे हम सबकी जान का दुश्मन बन गया? सिर्फ कबूतर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अन्य पक्षियों से भी ये हो सकते हैं बीमारियाँ, लेकिन अपने देश में देखा गया है क्योंकि कबूतर खाने रहते हैं, कबूतरों को दाना डालने की जगह रहती है, इसीलिए ये कबूतर ज़्यादातर देखे गए हैं कि ये बीमारियाँ करते हैं। दो तरीके से करते हैं। आजकल जो बहुत न्यूज़ में आ रहा है वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। वो जो रहता है वो एक तरह की एलर्जी रहती है कि कबूतर जिस जहाँ कबूतरों का बहुत बहुत देर तक रहते हैं या वहीं पे रुके रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, वहाँ अगर हमारा एक्सपोजर भी उतना ही लंबा रहा, हम अगर उसी इलाके में रहते हैं या वहीं पे रहते हैं या अपने घर में कबूतर रखते हैं, इनफैक्ट उसको एक नाम है कि इनको बर्ड हैंडलर्स या बर्ड फीडर्स लंग कहा जाता है, तो उनसे वो एंटीजन जो है, आजकल एंटीजन एंटीबॉडी हम सब जानते हैं, वो अपने फेफड़ों में चले जाते हैं और वो बीमारी करते हैं। और इसका इलाज मुश्किल है और उसका बेस्ट इलाज है कि वो दूर रखना चाहिए कबूतरों से। कबूतर दूसरी भी बीमारी देती है जो हम जब मेडिकल में पढ़ रहे थे उन किताबों से चल रही है, जो बैक्टीरियल बीमारी है, तो कबूतरों को ये बीमारी होती है और फिर वो बीमारी इंसानों को लग जाती है। दो बीमारी कॉमन है, एक तो सिटकोसिस नाम की है, दूसरी हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये फंगल बीमारी है। तो इनका भी इलाज काफ़ी लंबा चलता है और ये जिनको ऑलरेडी एलर्जी है, जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी लगी हुई है लंग्स में या टीबी है, इनको और खतरा होता है, या जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी लड़ने की प्रतिकार शक्ति शरीर में खासकर लंग्स में कम है, इनमें ये बीमारी काफ़ी तकलीफ देती है और कभी कभी डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आता, बिकॉज पेशेंट बोलता है मुझे बुखार है, सर्दी खांसी है, सांस फूल रही है, तो डॉक्टर्स उस हिसाब से इलाज करते हैं, लेकिन फिर ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ रहते हो, काफ़ी घंटे रहते हो, वहाँ क्या कबूतर या कोई पक्षी या कोई आप पक्षी पाल रहे हो, तो वो सस्पिशन हुआ तो उसकी जो स्पेसिफिक दवाई वो मिल जाती है, और अगर वो वक्त पे मिली, ज़्यादा फेफड़े खराब होने से पहले मिली, तो पेशेंट ठीक होने की गुंजाइश बहुत अच्छी रहती है।